गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी हम आज की क्लास में देखेंगे लेसन नंबर 17, सीधी साधी चिड़िया, इस लेसन का भाषांतर, ओके, जो कि हमने पिछले कुछ क्लासेस से भी देखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सब लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो और देखो पेज नंबर 60। ओके, तो देखो पेज नंबर 60 पे जो है वो भाषांतर हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, देखो भूतकाल के रेखांकित पदों को समझिए, यानी कि जो आपको सेंटेंस, जो आपको वाक्य यहाँ पे लिख के दिए हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है एंड इसी तरह लिखे, जैसे ये लिखे हैं वैसे ही सेम हमें ये जो बाकी के हैं वैसे लिखना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जैसे लिखे हैं वैसे लिखेंगे क्या हम? नो, हमें पहले समझना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही ये जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। समझ में आया आपको? देखो तो पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य कौन से, देखो यहाँ पे मुर्गा बुटंबू कर रहा था। क्यों कर रहा था, मतलब यहाँ पे देखो ना था क्यों आया, क्योंकि वो क्या था, मुर्गा। अगर मुर्गी होती तो थी आती है ना, समझ में आया आपको? उसके बाद सेकंड वाला देखो ना, अभी गोवैया गा रही थी, देखो यहाँ पे थी आया, क्यों आया थी, क्योंकि ये जो क्या है चिड़िया है, ये क्या है चिड़िया है ना। उसके बाद क्या है, देखो दो बंदर पेड़ पर उछल फांद कर रहे थे, देखो दो बंदर पेड़ पर उछल फांद कर रहे थे, क्योंकि वो दो थे इसलिए यहाँ पे आया थे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे है मुर्गा, यानी कि वो हुआ पुल्लिंग, तो उसके लिए हम लगाएंगे था। ओके, उसके बाद क्या है गोवैया, ये क्या है स्त्रीलिंग है, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे थी। एंड लास्ट वाला क्या है दो बंदर, यानी कि एक से ज्यादा अगर कोई भी चीजें हो तो उसके लिए हम लगाते हैं थे। समझ में आया आपको? उसके बाद देखो यहाँ पे वैसे भी आपके पास कुछ तीन वाक्य है तो उनको अभी हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि चिड़िया गा, क्या लिखेंगे हम, रही थी कि रहा था, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रही थी, चिड़िया गा रही थी। ओके हो गया। उसके बाद सेकंड वाला क्या है लड़की, देखो ना जैसे चिड़िया है वैसे लड़की, तो लड़की नाच रही थी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, से जो हमने पहले वाक्य में लिखा था वही। ओके, एंड लास्ट वाला क्या है लड़के बाजार जा, अभी देखो यहाँ पे लड़का है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है लड़के, लड़के यानी कि एक से ज्यादा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रहे थे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रहे थे। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि वो एक से ज्यादा थे। समझ में आया आपको? देखो चिड़िया रही थी, उसके बाद लड़की नाच रही थी, एंड लास्ट में लड़के बाजार जा रहे थे। समझ में आया आपको? तो जैसे मैंने आपको अभी समझा के दिए और लिख के दिए वैसे ही सेम आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद ही अपने टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में सेम लेसन के साथ एंड इसी भाषा ज्ञान के साथ।